सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। महिला दिवस पर मुकेश कुमार पटेल ने महिलाओं को किया सम्मानित और वितरित की शिक्षण सामग्री। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर ग्राम पंचायत चेबर और जमुनिया तहसील राजनगर जिला छतरपुर मध्य प्रदेश में विकलांग कल्याण समिति के माध्यम से एक्सनेट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सहयोग से कार्यक्रम हुआ, जिसमें महिलाओं को पुष्प मालाओं व श्रीफल से सम्मानित किया तथा मुकेश कुमार पटेल ने महिलाओं के हक अधिकार और सरकार की योजनाओं की जानकारी दी तथा समिति के माध्यम से मास्क, शिक्षण सामग्री तथा कानून के पैम्पलेट वितरित किए और सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। सम्माननीय महिलाएं श्रीमती संगीता पटेल, सुपरवाइजर महिला बाल विकास विभाग, राम सुकुमारी विश्वकर्मा ANM चौबर, गीता खागर हेडमास्टर चौबर, सुधा पटेल कार्यकर्ता आंगनबाड़ी केंद्र चौबर, सरोज वर्मा समाज सेविका, पुष्पा पटेल सहायिका, ममता, सीमा, लक्ष्मी, अर्चना अहिरवार आशा कार्यकर्ता आंगनबाड़ी केंद्र चौबर समाज सेवी मुकेश कुमार पटेल को गोद दी गई, जिसमें मुकेश पटेल ने केंद्र के लिए पर्स, मेडिसिन, शिक्षण सामग्री, पोस्टर, बैनर, खेल सामग्री भेंट की गई। आगे भी जरूरत की सामग्री देंगे तथा आंगनबाड़ी केंद्र को सुगम, सुंदर, स्वच्छ रखने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में उपस्थित सदस्य श्री संदीप कुमार गुप्ता, तुलसीदास सोनी, पत्रकार किशोरी लाल कुशवाहा, प्रियंका पटेल, लाला भाई, दुर्जी भाई, मुकेश कुमार अहिरवार, पवन चौरसिया, जन सहज संस्था एडवोकेट राम नरेश नामदेव आदि लोग रहे। साथ में हमारी नर्स जिन्होंने कोरोना काल में अपूर्णीय योगदान दिया, इनके योगदान को हम सब भूल नहीं सकते। योगदान के लिए चार दो दो चार तालियां हमारे विद्यालय की हमारी बड़ी मैडम जी विराजमान है। अब आपका भी कर्तव्य हम स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका और समस्त हमारी नारी शक्ति हमारे विद्यमान है। ये थी खबर हमारे ब्यूरो चीफ शिव कुमार शिवहरे बुंदेलखंड से। इसी के साथ खास खबरों को यही विराम देते हैं। फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहे MNS न्यूज के साथ। नमस्कार।